the BJP-led government has shown itself to be incompetent. अगर राजीव गांधी ना होते तो मैं आज जीवित ना होता। वेद होंगे उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है, ऐसा लगता है? जी हाँ दोस्तों, ये शब्द हैं, ये लाइन है अटल बिहारी वाजपेयी का। दोस्तों, जहां आज 2024 में एक नेता दूसरे नेता की तारीफ तो छोड़िए गाली गलौज पे उतर आते हैं, विरोधी दल के नेता को गाली तक दे देते हैं, सारी पोल खोल के रख देते हैं, वहीं एक दौर ऐसा भी था जब पक्ष विपक्ष के विचार अलग अलग होते थे, लेकिन वो इतना नीचे नहीं गिरते थे कि एक दूसरे को गाली दें। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी को किडनी की बीमारी थी, और किडनी की बीमारी इतनी ज्यादा गंभीर थी कि उनका इलाज भारत में संभव नहीं था। दरअसल दोस्तों, 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर राजीव गांधी न होते तो मैं आज जीवित न होता, और ये कहकर उन्होंने सबको चौंका दिया। दोस्तों, ये वो दौर था जब बीजेपी काफी अपने खराब दौर से गुजर रही थी। बीजेपी सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही थी, और बीजेपी का नेतृत्व उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में ही था। और जब बीजेपी के यानी कि विपक्ष के नेता ही पक्ष के नेता की तारीफ करे तो आप सोच सकते हैं, और वो भी चुनाव के मौसम में, तो आप सोच सकते हैं कि उस समय की राजनीति की लेवल क्या थी। ऐसे मामलों पर जिनका संबंध वोट बढ़ाने से था, वोट बैंक की राजनीति, यानी कि कितनी ऊपर लेवल की राजनीति हुआ करती थी। हालांकि अभी नीचे की लेवल की राजनीति हो रही है। दरअसल दोस्तों, जब अटल बिहारी वाजपेयी को किडनी का बीमारी हो गया था और इसका इलाज भारत में संभव नहीं था, और डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि आपको इसके इलाज के लिए अमेरिका जाना होगा, अगर आपने इसका इलाज नहीं कराया तो 6 महीना लास्ट आप की मौत भी हो सकती है। दोस्तों, जब अटल बिहारी वाजपेयी को डॉक्टरों ने ये कहा तो अटल बिहारी वाजपेयी अंदर से काफी टूट गए, और टूटना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अमेरिका जाने का पैसा अटल बिहारी वाजपेयी के पास नहीं था। इसका भारत से ज्यादा अच्छा इलाज अमेरिका में हो सकता है, ये खबर राजीव गांधी को भी लगी। डॉक्टरों ने राजीव गांधी को भी इन्फॉर्म किया, और ये खबर लगते ही, वैसे दोस्तों आपको बता दें कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे, और जब ये खबर राजीव गांधी को लगी कि अटल बिहारी वाजपेयी को किडनी का बीमारी है, तो राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया और कहा कि सरकार ने आपको संयुक्त राष्ट्र जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया है, आपको अमेरिका जाना होगा। दोस्तों, यहां हालांकि राजीव गांधी ने इनडायरेक्टली तौर पर मदद किया, और राजीव गांधी ने आगे कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो अपने इंटरव्यू में बताया कि राजीव गांधी ने आगे मुस्कुरा कर कहा, उम्मीद है आप इस मौके का लाभ सेहत के लिए भी उठाएंगे। और वहीं राजीव गांधी ने अपने अधिकारियों से भी कहा कि जब तक इनके किडनी का बीमारी ठीक ना हो जाए, इन्हें अमेरिका में रहने का, इनके अमेरिका में रहने का पूरा प्रतिबंध कर देना। दोस्तों सोचिए, उस समय की राजनीति, एक नेता दूसरे नेता की मदद कर रहा है, और उस नेता की मदद कर रहा है जो उसके टक्कर का नेता है, विपक्ष का नेता है। आज विपक्ष के नेता को जेल में डाल दिया जाता है, विपक्ष के नेता की अकाउंट को सील कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस नेता के सामने बड़ा ना हो। और एक समय 1991 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने ये इंटरव्यू दिया था, तो उसी से आप सोच सकते हैं राजीव गांधी किस लेवल के सोच रखते थे, किस लेवल के नेता हुआ करते थे। दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताना, साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, और इसी तरह के वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपसे मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।